आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एनर्जी ग्रोथ एटसेट्रा इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड लेता है और उसको यूज करता है डिफरेंट पर्पस के लिए, चाहे वो एनर्जी लेने के लिए हो चाहे वो ग्रोथ के लिए हो। वैसे ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ। और ये न्यूट्रिशन करने का दो तरीका होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दीज आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक में ऑटो वर्ड का मतलब ही होता है सेल, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, खुद से तैयार करता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट नहीं है, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स जो भी होगा वो सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। इसमें एल्गी भी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो वर्ड का मतलब ही हो जाता है अदर्स, मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने भोजन के लिए फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये सब हेटरोट्रॉप्स बना रहा है, क्योंकि हम लोग जो है या एनिमल्स, हम लोग प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे हम लोग अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें ये चीज है कि हम लोगों को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हमको डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना है। तो प्लांट्स दोनों तरीके से न्यूट्रिशन करता है, एक ऑटोट्रॉफिक वाला भी करता है कुछ ऐसा प्लांट्स भी है, और कुछ ऐसा भी प्लांट्स है जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है। तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसमें क्या हो जाता है कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन जो खुद से तैयार जो करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके तहत ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना भोजन खुद से तैयार करता है। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वैसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो अपना भोजन खुद से तैयार करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, ये सब का इस्तेमाल करके, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड का मतलब ही होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर होगा ग्रीन प्लांट्स के द्वारा वही है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज जरूरी है वो है सनलाइट का प्रेजेंस, लाइट का प्रेजेंस, ठीक है, वो सबसे पहले जरूरी है। उस लाइट को लेने का एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होता है, प्लांट्स ग्रीन होता है उसी क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, उसी एनर्जी को यूज करके फूड प्रिपरेशन होगा। उसके बाद जो है वो रॉ मेटेरियल्स की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहां से मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा एटमोस्फेयर से। लेगा कौन, लीव्स में जो टाइनी पोर्स, छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है उसके थ्रू जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीव्स में, तो वहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वाटर और मिनरल्स जो कि मौजूद है सॉइल में, सॉइल में मौजूद है, तो वहां से फिर वो रूट्स जो है वो ले लेगा और उसको लीव्स के पास पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जिसे टिश्यू ट्यूबल से पहुंचाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात उसी की करेंगे कि रूट्स लिया और उसको ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स तक। तो इस तरह से जो है वो सनलाइट क्लोरोफिल ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया लीव्स में जो मौजूद है ग्रीन पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोस्फेयर से लीव्स ले लिया स्टोमाटा की मदद से, वाटर मिनरल जो है वो रूट्स ले लिया ट्रांसपोर्ट कर दिया, और सारा का सारा सब लीव्स में पहुंच गया। लीव्स जो है वो किचन ऑफ प्लांट होता है, वहीं पे फिर क्या हो जाता है फूड बन जाता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
जिसके दौरान जो होता है वो रिएक्शन क्या हो जाता है इसमें, तो रिएक्शन इसमें होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर से मिला है, और जो वाटर है ये मिलकर बना देता है ग्लूकोज, बनाता है C6H12O6 और O2 ठीक है ये। तो यानी जब फोटोसिंथेसिस जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जो है ये आपस में मिलकर बना देता है, ये लाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा ठीक है, तो बनेगा ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये जो ग्लूकोज है यही उस प्लांट का फूड है जो कि वो अपना यूटिलाइज करेगा डिफरेंट पर्पसेस के लिए ठीक है। तो ये सब जो चीज होता है, अब उसके अलावा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो वही चीज है कि मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल्स, तो ये सब फैक्टर्स है जो कि जरूरी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ठीक है, और इसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सनलाइट का प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स, ये सब का प्रेजेंस, ये सब हम लोग बता सकते हैं। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का पूरा, ये सब डिटेल में हो गया, उसके लिए रिएक्शन भी है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हेटरोट्रॉफिक ग्रीन बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, वन बाय वन उसको देखेंगे। थैंक यू।